परम पूज्य महर्षि, भक्ति के साथ वेदांत का कोई विरोध है क्या? साधक वेदांत श्रवण मनन करने के साथ साथ उपासना करे तो उसको ज्ञान भक्ति हो सकता है क्या? महर्षि में भगवान के श्री विग्रह की सेवा पूजा भोग आरती शयन सब करती हूँ। कोई कोई मुझे बोलते हैं कि ये सब गुड़िया के खेल से की आध्यात्मिक उन्नति होगी, आप कृपया इसमें कुछ प्रकाश दीजिए जिससे मुझे भगवान के चरणारविंद में रति उत्पन्न हो। नारायण 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 नारायण। अच्छा भाई, देखो वेदांत का और भक्ति का किसी से भी विरोध नहीं है तो आपस में तो हो गई कहां से। मन में जो विरोध बैठा हुआ है उसको निकालने के लिए भगवान की भक्ति की जाती है। कि किसी के साथ हमारा विरोध न रहे, सब में भगवान और सबसे प्रेम, और वेदांत ज्ञान इसलिए प्राप्त किया जाता है कि सब आत्मा और आत्मा में सब और आत्मा अद्वितीय ब्रह्म। तो विरोध जिसमें होता है वो कोई परमार्थ वस्तु नहीं होती है। सब में भगवान है तब भी विरोध नहीं है, और सब आत्मा है तब भी विरोध नहीं है, आत्मा में सब नहीं है तब भी विरोध नहीं है, आत्मा के अतिरिक्त तो और कुछ है नहीं। अब एक बात देखो कि आप गृहस्थ हो, पत्नी पति से प्रेम करती है, पति पत्नी से प्रेम करता है, तो वो भक्ति करें कि न करें? क्या पति पत्नी दो जब दोनों एक दूसरे से प्रेम करना छोड़ देंगे तभी भगवान की भक्ति होगी और तभी वेदांत ज्ञान होगा? ऐसा तो कभी सोचने ही नहीं चाहिए। ये हाड़ मांस चाम का बना हुआ शरीर, इसकी इतनी भक्ति करते हैं, सवेरे से उठ के इसके लिए भंगी होते हैं। शरीर के लिए भंगी होना पड़ता है, भंगी तो जानते हैं ना, भंगी बोलते हैं कि नहीं? शरीर के लिए कहार होना पड़ता है, पानी उठा के डालते हैं ना शरीर पर। शरीर के लिए धोबी होना पड़ता है, शरीर के लिए नाई होना पड़ता है, अपने शरीर के लिए सब कुछ तो होना पड़ता है। तो उससे अगर भक्ति और वेदांत में कोई बाधा नहीं पड़ती है तो जिसको हम भगवान समझते हैं, हमारा भाव है कि ये भगवान का स्वरूप है, तो उसकी भक्ति करने में उसकी पूजा करने में विरोध कहाँ से आ सकता है? अच्छा, दुनिया में आप हीरा मोती सोना चांदी को मेरा समझते हैं, यदि आप एक श्री कृष्ण की मूर्ति रख के जैसे मीरा बोलती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, वैसे यदि आप श्री कृष्ण के सामने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, तो दूसरों ने कोई जो है उसमें वो संसार में जो ममता फंसी हुई है उसको छुड़ाता है। तो आप वेदांत वेदांत तो करें और संसार में जो ममता फंसी हुई है उसको छोड़ने के लिए भक्ति न करें तो ये कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। तो देखो, जीवन में जो दुराचार आ गया है, चोरी व्यभिचार हिंसा झूठ बेईमानी,
उसको छोड़ने के लिए जीवन में धर्म और सदाचार की आवश्यकता पड़ती है। सदाचार में निष्ठा होगी तब वो छूट जाएंगे। और ये जो ममता बैठ गई है दुनिया में, वो जब भगवान से ममता होगी तो वो छूट जाएगी। और जो अहम भाव बैठ गया है, वो जब आप अपने को भगवान का मानेंगे, भगवान को अपना मानेंगे, तब तो ममता छूटेगी। आपका जो मेरा है उसका पेट किससे भरता है? हीरा मेरा है, रुपया मेरा है, मकान मेरा है, मेरा का पेट भरता है आपका संसार की वस्तुओं से। तो मेरा का पेट भरिए आप भगवान से। तो जितना जितना मेरा का पेट भगवान से भरेगा, उतना उतना संसार उससे छूटता जाएगा। भरी सराय रहीम लखी, आप उपथिक फिर जाए। जब आपके हृदय में भगवान रहेंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अब भगवान मेरे, इससे तो मेरा का पेट संसार से खाली होगा और भगवान से भरेगा। और जब मैं भगवान का, ये जब आपके मन में आवेगा, तो आपका जो मैं है वो शिथिल होता जाएगा, धीरे धीरे होता जाएगा। मैं हीरे वाला, मैं मोती वाला, मैं ड्रेस वाला, मैं दारू वाला है? क्या नहीं, मैं भगवान वाला। अपने को भगवान वाला बोलो। हाँ, मेरे भगवान, तब तो मेरा का पेट भगवान से भर गया। और भगवान का मैं, तो मैं छोटा पड़ गया। भगवान के सामने मैं कहाँ से आवेगा? देखो, अगर आपको धन का अभिमान हो तो अपने से धनी की ओर देखे। यहाँ के जो धनी लोग हैं, वो जब अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ अपने को बिल्कुल तुच्छ समझते हैं, हमारे पास क्या है। और जब अपने से गरीबों को देखते हैं यहाँ आके, तो फूल जाते हैं कि वो मैं बहुत धनी हूँ। तो भगवान से बड़ा और कोई नहीं है। जब आप भगवान को देखेंगे, तब आपका मैं छोटा पड़ेगा। तो मैं को कम करने के लिए मैं भगवान का, और मेरा को कम करने के लिए मेरे भगवान। ये भक्ति है, इसी का नाम भक्ति है। भगवान मेरे और मैं भगवान का। आप वेदांत के रास्ते में एक एक कदम बढ़ते जा रहे हैं। अब जितने भी वेदांती हुए हैं, क्या शंकराचार्य भगवान भक्त नहीं थे? सच्चिन्मयो नीलिमा, ये जो श्री कृष्ण की नीलिमा है, ये सच्चिदानंद घन है, ऐसा बोलते हैं। उन्होंने तो ध्यान बताया है, कृष्ण का ध्यान कैसे करना है। जमुना तट निकट स्थित वृंदावन कानने महारम्ये कल्पद्रुम तल भूमौ चरणम चरणो परिस्थाप्य तिष्ठन्तं घन नीलम स्वतेजसा भासयन्तमिह विश्वम पीतांबर परिधानम चंदन संलिप्त सर्वांगम। प्रबोध सुधाकर उनकी पुस्तक है, उसमें श्री कृष्ण का ये ध्यान है। अच्छा, उसको आप यदि छोड़ भी दें, तो आप षटपदी तो पढ़ते होंगे ना, उस पर तो कोई शंका ही नहीं है किसी की कि ये शंकराचार्य की है कि नहीं। अभिनय अपनय विष्णु, इसमें जब आप बोलते हैं दामोदर गुण मंदिर सुंदर वदनारविंद गोविंद भव जलधि मथन मंदर परमं दरम अपनयत्वं में, तो जब तक भगवान की भक्ति नहीं आवेगी
और भगवदाकार वृत्ति होने से संसाराकार वृत्ति शांत नहीं होगी, तब तक वेदांत का ज्ञान केवल जीव पर ही रहेगा, भीतर घुसेगा नहीं। आप शास्त्रार्थ करके बहस करके दूसरे को हरा तो सकते हैं, लेकिन हृदय में जो रूक्षता है, कठोरता है, कटुता है, उसके लिए तो हृदय में एक रस प्रवाह की आवश्यकता होती है। और वो रस प्रवाह यदि संसार के लिए होगा, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, सोना के लिए, चांदी के लिए, तो वो आपके हृदय में दुख भर देगा। और यदि भगवान के लिए होगा तो वो सुख ही सुख भर देगा। एक बात और आप ध्यान में लें कि संसार में जो वस्तुएं होती हैं, उनसे यदि आप प्रेम करेंगे तो उनसे अंग संग होने की संभावना रहती है। किसी स्त्री से प्रेम करें, किसी पुरुष से प्रेम करें, तो प्रेम बढ़ते बढ़ते दोनों के शरीर को इकट्ठा कर देगा। लेकिन यदि राम से, कृष्ण से, शिव से, विष्णु से यदि आप प्रेम करेंगे तो वो प्रेम इधर से तो आपको छुड़ावेगा, लेकिन उधर अंग संग के लिए कोई स्थान नहीं है। अनमिला साजन और अनजाना रास्ता, जब आप ध्यान करेंगे तब इधर जो फसाव है उससे छूटेंगे और उधर बंधन नहीं होगा, आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए भक्ति और वेदांत में कोई विरोध नहीं है। एक महात्मा थे हमारे बहुत अच्छे, हमारे श्रद्धेय, दंडी स्वामी थे, तो वो भगवान की पूजा किया करते थे शालग्राम। हमारे शंकराचार्य जितने होते हैं सभी आराधना करते हैं। पुरी के शंकराचार्य थे भारती कृष्ण तीर्थ, वो तो दो तीन घंटे चार घंटे आराधना करते थे। करपात्री जी महाराज दो तीन घंटे चार घंटे देवी की, ललिताम्बा की आराधना करते थे। आज भी जो शंकराचार्य होते हैं उनके यहाँ भगवान की उपासना चलती है। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो आपको सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ा के ऐसी जगह पहुंचा दें जहाँ से गिरना नहीं होता, और एक ऐसे होते हैं कि जो बेपर की उड़ाते हैं और जहाँ आपको कोई सहारा कोई आलम्बन नहीं मिलेगा तो आप फिर जहाँ के तहाँ लौट आएंगे दुनिया में। तो वो जब ठाकुर जी की पूजा करते थे महात्मा, तो एक दिन कई दंडी स्वामी आए, मैं उनके पास बैठा हुआ था। उस दिन तो बड़ी प्रबल चर्चा हो रही थी, हमारे विद्वान थे। मैं 11 बजे के करीब गया था और 4 बजे तक दर्शनों में ईश्वर का क्या स्थान है इस पर चर्चा होती रही। न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदा, तो उन महात्माओं ने आके पूछा कि आप शालग्राम की पूजा क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, मैं मोटर से चलता हूँ, हवाई जहाज से उड़ता हूँ, और नेहरू जी का विरोध करता हूँ, महात्मा गांधी का विरोध करता हूँ, तो अगर आप लोग पूछते कि तुम साधु हो करके विमान पर क्यों चलते हो, मोटर में क्यों चलते हो, राजनीति में क्यों पढ़ते हो, महात्माओं का विरोध क्यों करते हो, तो हमको बहुत खुशी होती। क्यों? कि आप लोग हमको संसार से छुड़ाकर परमार्थ में, वैराग्य में स्थिर करना चाहते हैं। लेकिन आपको हमारे चरित्र में केवल यही बुरा लगा कि मैं शालग्राम की पूजा करता हूँ, यही एक गंदगी हमारे चरित्र में है। तो भाई मेरे, अच्छा काम जो होता है वो साधन होता है। आप जप कीजिए, जो सन्यासी होकर 12,000 रोज प्रणव का जप नहीं करता है
उसके सन्यास की निष्ठा कम हो जाती है। जो भगवान से प्रीति तो हृदय में सबके है, तो शरीर को धर्म में लगाओ, माने सदाचार युक्त जीवन व्यतीत हो, और अपने मन को भगवान के प्रेम में लगाओ, और अपनी बुद्धि को भगवान के विचार में लगाओ, और अपने अहम को अलग न रखकर भगवान से एक कर दो। आप देखो, केवल अहम ब्रह्मास्मि की रटना नहीं रहेगी हो, शरीर में धर्म, इंद्रियों में संयम, मन में भगवान से प्यार, बुद्धि में भगवान का विचार, अपना अहम अलग न रहकर भगवान से मिल गया, इसका नाम वेदांत हो गया। तो ये जो इसको समन्वय बोलते हैं वेदांत में, वेदांत की भाषा में इसका नाम है समन्वय। अच्छा, जहाँ कहीं खंडन मिलता है, वहाँ अंतिम क्षण जो है चरमावृत्ति, जो मूला विद्या को नष्ट करके आत्मा और ब्रह्म की एकता करने वाली अंतिम वृत्ति है, तत्त्वमस्यादि महावाक्य जन्य, वहाँ किसी भी दूसरी वृत्ति का या दूसरे आकार का संबंध नहीं होता है। लेकिन जो जीवन चलता है, क्या वेदांत आप सीखेंगे तो पातिव्रत धर्म छोड़ देंगे? क्या आप वेदांत सीखेंगे तो माता पिता की सेवा छोड़ देंगे? भगवान तो हमारी माता के भी माता हैं, पिता के भी पिता हैं, सारे जगत के पिता हैं, और उनके नाम का जप, उनकी पूजा, ये जावत जीवन छोड़ने की नहीं है। जब तक जिए तब तक जीवन में ये सदाचार बना रहे, भक्ति बना रहे, और परमार्थ के रूप में अपने आत्मा को ब्रह्म रूप से अनुभव करें। तो ये जो भक्ति और धर्म और योगाभ्यास, इन तीनों का विरोध करने वाला जो वेदांत है, वो वेदांत नहीं है, वो केवल बुद्धि की उड़ान है, और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने जीवन को सरस बनाए रखना चाहिए। ओ, वासना और संस्कार में क्या फर्क है? संस्कार बीज है और वासना अंकुर है। जैसे आप कोई पौधा लगाते हैं और धरती में बीज डाल देते हैं, तो आम का बीज अलग होता है, इमली का बीज अलग होता है, अंगूर का, द्राक्षा का बीज अलग होता है, बादाम का बीज अलग होता है। वो सब बीज अपने अंदर अपने अंकुर का, पत्ते का, फूल का, फल का संस्कार लिए हुए रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ता वहाँ संस्कार। लेकिन जब अंकुर होता है, पहले संस्कार बीज जो है ना, वो फूलता है, और उसके बाद वो बीज फटता है, और फटने पर एक उसमें से अंकुर निकलता है, और अंकुर पल्लवित होता है, पल्लव आता है, पत्ते, फिर पुष्प आता है, पुष्पित होता है, फिर फलित होता है, फिर रसीला बनता है। तो ये सब यदि आप बीज में ढूंढने लगे, आम की जो गुठली होती है ना, बहुत कसैली होती है, आपने कभी यदि तोड़ के उसको खाया हो, बचपन में हम लोगों को शौक था तोड़ तोड़ के आम का जो गुठली होती है उसके भी बहुत कसैलापन होता है। इमली का बीज खाएं आपको खट्टा नहीं लगेगा बिल्कुल, लेकिन उसी में से ये खट्टे और मीठे फल निकलते हैं। आप नींबू का बीज कभी भूल से भी आपके मुंह में जाता होगा तो स्वाद मालूम होगा कि नींबू के बीज का स्वाद क्या होता है। उसमें क्या नींबू का रस मालूम पड़ता है? बिल्कुल नहीं मालूम पड़ता है, पर उसी में से निकलता है। तो संस्कार उसको कहते हैं जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। हाँ, एक बालक है, उसके भीतर काम है, काम की वृत्ति है, ये आपको बालक में नहीं मालूम पड़ेगी।
उसमें कोई द्वेष की वृत्ति है ये भी नहीं मालूम पड़ेगी। कभी रोएगा कभी हंसेगा। माँ बाप द्वेष कर लेंगे आपस में, लेकिन बच्चे आपस में खेलते रहते हैं। बच्चों में लड़ाई हुई, दोनों रोए, दोनों ने अपने माँ बाप से शिकायत की, माँ बाप में लड़ाई हो गई, हमेशा के लिए द्वेष बंध गया और बच्चे घंटे आध घंटे के बाद फिर मिलके खेलने लगे। तो माँ बाप से अच्छे तो बच्चे ही हुए ना। तो ये जो बीज है वो अपने हृदय में संस्कार, उसी संस्कार को बीज कहते हैं जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है और समय पर प्रकट होता है। जब बड़े होंगे तो धीरे धीरे काम भी आवेगा, लोभ भी आवेगा, क्रोध भी आवेगा। आप 100 रुपए का नोट बच्चे के हाथ में दे दो और एक लाल कागज उसको दो, वो देख के मगन हो जाएगा, आप नोट ले जाओ उससे। लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तब वो नोट छोड़ने वाला नहीं है। तो वासना और संस्कार का भेद यही है कि संस्कार बीज रूप में होता है और वासना जो है वो बाहर निकलती है और अपनी गंध से दूसरे को भी गंध वाला बनाती है। वासना माने गंध एक प्रकार की। जिस दोने में चंपा का फूल आप रख दें और चंपा का फूल हटा दें तो वो दोने में से गंध आने लगती है, चंपा की गंध आ रही है। तो इसी प्रकार ये संस्कार और वासना है। देखो भगवान आपसे मांग रहे हैं, ऐसे भगवान भी दुनिया में और कहीं नहीं है, हमारे यहाँ है। वो कहते हैं तुम मेरी शरण में आओ मैं तुझे मुक्ति दूंगा। बोले नहीं भाई, तुम्हारे पास दो बहुत बढ़िया चीज है और वो हमको बहुत प्यारी लगती है। मैं ये वह मन आधत्व मई बुद्धि निवेश, अपना मन और बुद्धि दोनों। जैसे रुपया आप सुरक्षित रखने के लिए बैंक में रखते हो ना, तिजोरी में रखते हो, वैसे ये दो चीज तुम्हारे पास बड़े खतरे की है। इनको चुरा के ले जाना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही पराए घर में चले जाते हैं। जैसे आजकल की लड़कियां हैं, लड़के हैं, माँ बाप को सूचना दिए बिना ही कहीं ना कहीं है ना पराए घर से प्रेम जोड़ लेते हैं। ऐसे ये हमारे जो प्यार हैं, मन में प्यार होता है और बुद्धि में विचार होता है ना? तो भगवान कहते हैं भाई कहीं प्यार तुम्हारा दूसरे से हो जाएगा तो बहुत दुख पाओगे, क्योंकि जब तक पता नहीं चलता है कि ये आदमी हमसे प्यार करता है तब तक तो लोग उसका आदर करते हैं। जब पता चल जाता है कि अब ये पूरी तरह फंस गया तो बहुत सताते हैं। ये साधुओं को जो पानी भरना पड़ता है ना घरों में, तो क्यों भर घर में, ये हिमालय से उतर के देश में आते हैं और उन्हें गृहस्थों के घर में पानी भरना पड़ता है। क्यों कहा, हमको फंसते हैं। कैसे फंसते हैं, हमको बढ़िया भोजन कोई कराता है तो कहते तो भाई थोड़े दिन और रह जाए। तो मीठा कोई बोलता है, कोई माला पहनाता है, कोई कहता आप तो साक्षात भगवान है महाराज, हम जानते हैं कि उसको भगवान का कुछ पता नहीं है कि क्या होता है। वो खुद तो धोखे में है ही, हमको भी धोखे में रखना चाहता है, ये आप साक्षात भगवान है। तो ये जो हमारा प्यार जगह जगह है, तारीफ करने वाले की ओर जाता है। ये जो चेला लोग हैं ना, ये गुरु जी की तारीफ कर करके उनको फंसा लेते हैं। तो हमारा प्यार जाता है प्रशंसा करने वाले की ओर और हमारा विचार जाता है जहाँ से हमारा स्वार्थ और सुख सिद्ध होता है, वहाँ हमारे बार बार हम सोचते हैं कैसे हमको हमारा स्वार्थ सिद्ध हो, कैसे सुख सिद्ध हो। तो भगवान ने कहा कि बाबू ये दो चीज तुम्हारे पास बहुत खतरनाक हैं और गलत जगह जाएंगी तो तुम्हें बहुत तकलीफ देंगे, इसलिए तुम ले आओ इसको लाकर में रख दो पहले। मैं ये वो मन आधत्व मई बुद्धि निवेश, मैं ही वो लाकर हूँ, मैं ही वो बैंक हूँ, मैं ही वो तिजोरी हूँ,
जिसमें अपने प्यार और विचार को रख लो, फिर कोई खतरा नहीं है, न तो ये भाग के तुम्हारे घर से जाएंगे। देखो आजकल तो विवाहित स्त्रियां भी दूसरे के प्रेम में फंस जाती हैं, भाई से, भतीजे से, देवर से, जेठ के लड़के से। तो ये जो तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारे मन का प्यार है, ये कहाँ जाके फंसेगा, इसका कुछ ठीक नहीं है। इसलिए पहले बीमा करवा लो भगवान से, है ना। हाँ हाँ, निवशिष्यसि मयि एव अतो ऊर्ध्वं न संशयः। जहाँ मन, मन तो, मन तो अमूर्त है ना, मन को आपने देखा तो है नहीं कितना लंबा चौड़ा है और लाल है, काला है, पीला है। मन को आपने कभी नहीं देखा है, मन में जो चीजें आती हैं उनको आप देखते हैं, मन को नहीं देखते हैं। तो मन का प्यार भगवान में रखो और बुद्धि का विचार भगवान में रखो। जब मन और बुद्धि दोनों भगवान के पास रख दी जाएंगी तो भगवान में ही निवास रहेगा। अत ऊर्ध्वम, मन मन और बुद्धि को रख देने के बाद मुझमें भगवान में ही निवास रहेगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो पहले वासना को भगवान में लगाओ तो फिर संस्कार आपका बदलता जाएगा। और संस्कार जो कि जन्म जन्मांतर से या दादा दादी से या नाना नानी से या माँ बाप से या गर्भावस्था में भोजन से या पढ़ने लिखने के समय संग साथ से, खान पान से, जो संस्कार आपके मन में उभर रहे हैं उनको अपनी वासना भगवान के साथ जोड़कर उनको अपना आत्मा देखो, अपना स्वामी देखो, भगवान को अपना मित्र देखो, अपना पुत्र देखो, अपना पति देखो, अपना प्रियतम देखो। देखो भाई, दुनिया में कुछ मिलने वाला नहीं है, ये बिल्कुल मृग तृष्णा है। ये हमको मिल जाएगा, जिसको तुम चाहते हो वो तो तुमको दो कौड़ी का भी नहीं। आप सोना बहुत चाहते होंगे, हीरा मोती चाहते होंगे ना, उसको चोर ले जाए तो मना नहीं करता है। वो गिर जाए तो पुकारता नहीं है कि बाबू हाँ मेरे मालिक मैं गिर रहा हूँ, तो बिल्कुल नहीं पुकारता, एकदम बेवफा है। बेवफा माने विश्वासघाती। दुश्मन ले जाए तो भी, गिर जाए तो भी, चोर ले जाए तो भी, वो तो हमको पहचानता ही नहीं है कि हम इनके हैं। हम ही उसको मेरा मेरा करके उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। हमारे बाप दादा के हाथ नहीं लगा, हमारे हाथ नहीं लगेगा, हमारे बच्चों के हाथ नहीं लगेगा, और हम उसके लिए अपनी जिंदगी खराब कर देंगे, हैं? इसलिए संस्कार और वासना, वासना से संस्कार बनते हैं, संस्कार से वासना निकलती है, और दोनों अविद्या से, अज्ञान से अपने साथ जुड़ते हैं, और अपने स्वरूप में न संस्कार है न वासना। तादात्म्य है ऐसा जानने मात्र से तादात्म्य तो छूटता नहीं है, इसका क्या कारण है? तादात्म्य से छूटने का सरल उपाय क्या है? देखो, ये वेदांतियों के ध्यान में लाने की चीज है, असल में है ना। देखो भाई, हम ऐसे हंसी तो उड़ाते हैं पर हम वेदांती ही हैं, बोला हमारी निष्ठा जो है वो अद्वैत ब्रह्म में ही है। हाँ हाँ, लेकिन ये जिज्ञासु लोग जो जल्दी फिसल जाते हैं उसके लिए उनका, उनको थोड़ा ठोस करना पड़ता है। तो एक होता है सुख से तादात्म्य और एक होता है विचार से तादात्म्य और एक होता है सत्ता से तादात्म्य। तो समझ लो कि आपका भोग से या भोग की वस्तु से तादात्म्य हो गया है, वो क्या है कि उसमें सुख बुद्धि हो गई है, क्योंकि इसमें बहुत सुख है, स्त्री पुरुष में बहुत सुख है, धन दौलत में बहुत सुख है, प्यार यार में है बहुत सुख है। ये एक भ्रम, एक तादात्म्य सुख के साथ एक तादात्म्य हो गया है, और आप उसको छुड़ाने के लिए उपाय क्या करते हैं कि नित्य अनित्य का विचार करते हैं।
या चेतन और जड़ का विचार करते हैं। तो जड़ में सुख तो रखा हुआ है और आप कहते हैं कि ये जड़ दृश्य है, मैं इससे अलग हूँ। अच्छा, अनित्य में सुख रखा हुआ है और आप विचार करते हैं कि ये अनित्य है और मैं नित्य हूँ। तो जड़ से अनित्य से आपका वैराग्य नहीं हुआ। बिना वैराग्य के आप तादात में छुड़ाने की कोशिश करते हैं। आप अपने ध्यान में ले लो इस बात को। जब तक वस्तु में सुख बुद्धि बनी हुई है, तब तक एक मिनट के लिए भी अगर उससे सुख मिलता है तो हम छोड़ नहीं सकते। बोला हाँ, भोजन में नित्य सुख कहाँ है, कपड़े में नित्य सुख कहाँ है, स्त्री पुरुष में नित्य सुख कहाँ है। स्त्री पुरुष में कोई नित्य सुख थोड़ी होता है। अच्छा, लेकिन झूठ बोलने से हमको सुख मिलेगा, इसको नीचा दिखावेंगे, गाली देके अपमान करेंगे, तो बच्चों को खूब मजा चखावेंगे, ऐसा बोलते हैं। और ये चीज हमको मिलेगी तो बहुत सुख हमको मिलेगा। तो वेदांत का क्रम ये है, आप नारायण हमको वेदांत की, वेदांत का अथॉरिटी मान के हमारी बात सुने, है ना। पहले संसार की वस्तुओं में सुख नहीं है ये निश्चय होना चाहिए, इसको कहेंगे वैराग्य। और उसके बाद ये संसार की वस्तुएं जड़ हैं, वे हमसे प्रेम नहीं करती हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, ये होना चाहिए जड़ और चेतन का विवेक। और उसके बाद संसार की वस्तुएं असत हैं, मिथ्या हैं, और आत्मा सत्य है। तो यदि आप क्रम से, जैसा कि पहले वैराग्य और फिर जड़ और चेतन का पृथक्करण और उसके बाद सदसत का विवेक करके उसको असत समझना, तब तो आप तादात्म्य के मिथ्यात्व का जब विचार करेंगे। वैराग्य होने के बाद यदि तादात्म्य के मिथ्यात्व का विचार करेंगे तो वह स्थिर हो जाएगा। और बिना वैराग्य के यदि आम खाते हैं तो क्या उससे नित्य सुख मिलता है? हम आम नहीं, ये तो ठीक है कि हम आम नहीं हैं, लेकिन आम खाते हैं तो बड़ा सुख मिलता है, तो अब आम से तादात्म्य कैसे होगा? थाली में रहेगा, आम को तराश के तस्तरी में रखिए, प्लेट में रखिए, यह आम है, और जब जीभ पर डालेंगे और पेट में जाएगा तो आप मन मुंह से बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं आम हूँ, ये अनुभव हो जाएगा। जब तक आम मैं नहीं हो जाएगा तब तक उसका सच्चा मजा नहीं आवेगा। वो थाली में रोटी है तो यह रोटी है, और पेट में रोटी गई तो मैं रोटी हूँ, और फिर मल होके निकल गई तो यह रोटी हो गई। एक उपादेय मल था, एक मैं मल था, और एक त्याज्य मल था। ये मल की ही तीनों अवस्थाएं हैं, फिर उसी खाद से, उसी की खाद से फिर मल बनेगा। तो तादात में आप कहाँ करते हैं? कोई दस किलो शरीर में मल है, जब पानी निकालने लगते हैं डॉक्टर लोग, महाराज पता चलता कितना निकल सकता है, कितना पानी शरीर में से निकल सकता है? अच्छा, मल कितना निकल सकता है? हाँ, इसी को मैं करते तो फिर रहे हैं ना, ये डॉक्टर हैं MBBS। हाँ अच्छा, हड्डी का वजन कितना होगा शरीर में, मांस का कितना होगा, पीप का कितना होगा, मलमूत्र का कितना होगा, तादाद में तो यहाँ करके बैठे हैं भला। और इसी के सुख के लिए जो भी मालूम पड़ता है उससे हमारा तादाद में होता है। तो जब तक सुख बुद्धि निवृत्त नहीं होगी ये हमको सुख देगा, वो तुमको सुख नहीं देगा, मार मार के तुम्हें, यदि जड़ होगा तो तुमको रोगी बनावेगा।
और यदि चेतन होगा आदमी होगा, पर आदमी होगा तो तुमको गुलाम बना देगा, तुमको बांध लेगा अथवा तुमको रोगी बना देगा, दोनों में से एक काम जरूर करेगा वो। हाँ, भोजन से प्रीति करोगे तो रोगी बना देगा और आदमी से प्रीति करोगे तो गुलाम बना देगा। इसलिए भाई तादात में छूटने का सबसे बढ़िया उपाय ये है कि जो संसार की वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि है, जिसके कारण हम राग और द्वेष में फंस जाते हैं, उस सुख बुद्धि में जितनी शिथिलता आवेगी, जितना क्षीण होगा, उतने तादात में आपका घटता जाएगा। आचरण करते हैं तो क्या उसकी वासना है या प्रकृति है? आप पहले साधु हो जाइए फिर हम बताएंगे। अपनी तो देखते नहीं, दूसरे की देखते साधु वासना का नाटक भी कर सकता है, साधना साधु वासना में फंस भी सकता है, मुक्त रहते हुए भी कभी कभी बाधितानुवृत्ति से वासना आ सकती है और वासना की शांति भी हो सकती है। दूसरे को आप कैसे समझेंगे? अच्छा देखो, हम यहाँ से उठेंगे तो पहले इधर घूमने जाएंगे कि सीधे जाएंगे, आप बताओ। अगले क्षण में हम इधर देखेंगे कि इधर देखेंगे, बताओ। दूसरे के मन की बात आप एक चींटी की बात नहीं समझते हैं कि जो जा रही है किधर मुड़ जाएगी, एक चिड़िया की बात नहीं समझते हैं और दूसरे के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आप पहले अपने को समझिए। योग दर्शन में दूसरे का मन समझने के लिए यही साधना दी हुई है, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। आप अपनी मनोवृत्तियों को देखिए, वो कैसे सीधे चलती हैं, कैसे उल्टे चलती हैं, क्या देख के उनके भीतर लोभ आता है, क्या देख कर क्रोध आता है, क्या देख कर काम होता है। पहले अपनी मनोवृत्तियों को जब ठीक ठीक समझ लेंगे तब दूसरे को समझ सकते हैं। अच्छा, अब साधु है, साधु की बात कर लें। वो महाराज अमेरिका में और यूरोप में धर्म का प्रचार करता है, आप तो उसको साधु तो मानते हैं, पर वहाँ वो शौच जाने के बाद आप दस्त के लिए पानी का प्रयोग नहीं करता है? अच्छा, वो जब पार्टी में बैठता है तो हम पिछड़े हुए नहीं हैं, वहाँ जिन सब लोगों के बीच में वो बैठता है, यदि उनके जैसा न खाए न पिए तो वो पिछड़ा हुआ समझेंगे ना आपको। हाँ, तो वहाँ हम अनेक साधुओं का नाम ले सकते हैं जो वहाँ जाके पार्टी में बैठते हैं, शराब पीते हैं। अच्छा, हम बड़े बड़े साधुओं के नाम जो लोक में प्रसिद्ध हैं, स्त्रियों के साथ नाचते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का जो भोजन था विदेश में वो कोई धर्म के शास्त्र के अनुकूल तो नहीं था। अब और किस बड़े आदमी का नाम ले हम आपको? तो अब ये जिस तरह के लोगों में रहते हैं अपने जैसा तो बनाते नहीं हैं, उनके जैसा बन जाते हैं, क्योंकि अपने में इनका आग्रह नहीं रहता है। तो धर्मशास्त्र, अच्छा धर्मशास्त्र भी कोई बाइबल मानने लगते हैं। हमारे एक महात्मा थे, उन्होंने मनुस्मृति कभी नहीं पढ़ी थी, पर बाइबल की एक एक लाइन उनको कंठस्थ थी, कहाँ क्या लिखा हुआ है उनको नाम भी याद है, मिलते थे उनसे, वो जब व्याख्यान देते थे बाइबल पर और ईसाई लोग चकित हो जाते थे। जब हम वृंदावन में भक्ति शास्त्र पर व्याख्यान देते हैं तो हमारे वैष्णव भक्त चकित हो जाते हैं कि हमारे संप्रदाय में ऐसा है। तो ये जो साधु हैं वो भी देश का प्रभाव उन पर पड़ता है, जाति का प्रभाव पड़ता है,
संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है, समय का प्रभाव पड़ता है, उनकी भी कई विवशताएं होती हैं। इसलिए यदि आपको उनका आचरण शास्त्र के विरुद्ध मालूम पड़ता है तो उसमें पहला मनोविज्ञान ये निकला कि आपकी उन पर श्रद्धा नहीं है, और जब श्रद्धा नहीं है तो आप उनको छोड़ दीजिए। सीधी बात यही है कि यदि आपको उनका आचरण शास्त्र विरुद्ध मालूम पड़ता है तो जोर जबरदस्ती लगा के यदि उनके साथ आप अपने को जोड़ेंगे तो आपका जो अवचेतन मन है वो तो उनको छोड़ना चाहेगा, और आप जोर लगा करके उनको पकड़ना चाहेंगे, और आपके मन में एक दुविधा पैदा हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जहां आपकी श्रद्धा नहीं है और जिसका चरित्र शास्त्र विरुद्ध मालूम पड़ता है उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको वेदांत सिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे। उदार भाव, दान वगैरह के लिए कुछ प्रेरणात्मक बात समझाने की कृपा कीजिए। देखो बाबा, दुनिया देख के अगर आपको प्रेरणा नहीं मिलती है तो यदि संसार की स्थिति देख करके आपको प्रेरणा नहीं मिलती है तो हमारे प्रेरणा देने से और गलकुच्चन बोलते हैं ये गाल के घंटे में जीव जीव की ललरी बोलते हैं ना, पंडित सोई जो गाल बजावा, तो गाल बजाने से आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी। प्रेरणा तो जो उदार हैं, दानी हैं, उनके चरित्र का आप अध्ययन कीजिए, और उनका यदि आपको कोई मिलते हो तो उनका संग कीजिए और उनकी अच्छाई को समझिए। कोई कुछ लेके तो जाने वाला है नहीं, मुट्ठी बांधे पैदा होते हैं। मैंने सुना है कि बच्चे पैदा होते हैं तो ऐसे पैदा होते हैं, निकलने के लिए सुविधा चाहिए ना, और जब आदमी मरता है तो मुट्ठी खुल जाती है, दिखाते हैं हम कुछ लेके नहीं जा रहे हैं, दिखा देते हैं कि हम कुछ लेके नहीं जा रहे हैं। तो जो काम एक दिन होना ही है उसको यदि जान बूझ करके अपने सुख का साधन बना लिया जाए तो बहुत बढ़िया होता है। हमने देखा, मैं गीता प्रेस के कल्याण परिवार में हनुमान प्रसाद जी के साथ रहता था। कल्याण का मैंने बरसों तक सन 36 से 41 तक संपादन किया था। उनके पास एक आदमी आया, उसने कहा कि भाई जी, हम यात्रा करने के लिए आए थे, पत्नी हमारी बीमार हो गई है और हॉस्पिटल में, अमुक हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा दिया है, वो गर्भवती है, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, आप सहायता कीजिए। अच्छा भाई जी, निकाल ले जाओ 100-200 रुपए दे दिए। दो तीन दिन के बाद आया, उस पर क्या चढ़ाना है, कोई चढ़ाते हैं ना शरीर में ऑक्सीजन और ग्लूकोज कुछ चढ़ाते हैं। अच्छा तो और ले जाओ। फिर उसके बाद दो चार दिन के बाद आया कि वो तो मर गई, श्मशान ले जाना है उसको। अच्छा तो अंत्येष्टि क्रिया उसकी उसके लिए दिए। उसके बाद आया कि अब उनको अपने घर जाने के लिए किराया चाहिए, वो भी दे दिया। एक आदमी ने कहा भाई जी से कि भाई जी, ये कोई ठग मालूम पड़ता है, धूर्त है। तो भाई जी ने कहा कि ये तो जब आया था और इसने कहा कि हमने अस्पताल में अपनी पत्नी को दाखिल कराया है, तो हमने फोन करके, वहाँ सिविल सर्जन हमारे मित्र हैं, उनसे पूछ लिया था, इसकी कोई पत्नी वहाँ दाखिल नहीं थी अस्पताल में, और न वो गर्भवती थी, न बीमार थी, न मरी, न अंत्येष्टि क्रिया हुई, हमको तो सब मालूम है। तब आप इसको देते क्यों हैं, इस धूर्त को देते जा रहे हैं? तो बोले कि जब ये हमारे पास आके बैठता है तो हमको ऐसा लगता है
जिसने पूर्व जन्म में हमको कोई ऋण दिया है और मैं इसको जितना दे दूंगा उतना उऋण हो जाऊंगा, मैं अपने को उऋण करने के लिए इसको देता हूँ। अच्छा, देख दूसरी बात, हमारे गांव के पास एक ठाकुर साहब थे, हमको गांव नाव उम्र सब उनकी याद है। तो वो जब सम्राट पंचम जार जाए थे, सन 16 में दिल्ली दरबार हुआ था, तब सम्राट ने उनके साथ हाथ मिलाया था। तो मजे से मसनत पर, पलंग पर मसनत पर, और वो जो गुड़गुड़ी पीते हैं ना, वो नरेचा वाली, वो पीते रहते थे। मस्त पीछे बहुत गरीब हो गए, इतने गरीब हो गए कि उनके पास खाने पीने को भी नहीं रहा, परंतु उनके घर के सामने से रास्ता निकलता था। मैं गया, उधर से निकला, बुलाया, आओ बाबा जी, प्रणाम किया, हम गुरु जी थे। उन्होंने मोहन भोग बनवाया, मैं खाने लगा। खाते खाते मैंने कहा कि बाबू साहब, ठाकुर साहब, खिला के खाने में बहुत मजा आता है। तो उन्होंने कहा कि देखो बाबा जी, मेरी उम्र बड़ी है और आप अभी बच्चे हैं, खिला के खाने में मजा नहीं है, खिला के भूखे रह जाने में जो मजा है उसको मैं जानता हूँ। उनके यहाँ महाराज को आधी रात को आ जाए, उधार नहीं देते थे, गांव के जो बनिए थे उनको उधार नहीं देते थे। तो अपने घर के बर्तन उसके यहाँ गिरवी रख के आने वाले को खिलाते थे। घर में लकड़ी ना हो तो पलंग, घर की किवाड़ी तोड़ के और रसोई बनवाते थे, उसको खिलाते थे। इसका नाम होता है उदार। हो उदार माने उत ऊर्ध्वम शक्ते इयर्ति, जो अपनी शक्ति से ऊपर काम करता है, उदार। तो ईश्वर का जो आनंद है वो खिलाने का है, खाने का नहीं है। अनशनन अन्यो अभिचाकसीति, ईश्वर बिना खिलाए चमकता है। तो योग दर्शन के विज्ञान भिक्षु भाष्य में की टीका में ये कहा कि जीव जो है उसको तो भोग का आनंद आता है, खाने का, और ईश्वर को खिलाने का आनंद आता है। मतलब ये है कि जिसको लेने में मजा है वो जीव है, और जिसको देने में मजा है वो ईश्वर है। लो, उदारता की प्रेरणा के लिए एक दो बात सुना दी।